पर्यावरण अध्ययन का अधिगम पर्यावरण किसे कहते हैं, बाल विकास में पर्यावरण का महत्व। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में, जिसमें पर्यावरण किसे कहते हैं ये हम जानेंगे, और बाल विकास में यानी छोटी उम्र में पर्यावरण का क्या महत्व होता है बच्चों के लिए। आइए देखते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ले लेते हैं आपका पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में खंड एक यानी ब्लॉक उमल ले लेते हैं, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें 4 इकाई दी हुई हैं, आप जैसा देख रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट इकाई है वो हम ले लेते हैं कि अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी इकाई 1 है, अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का क्या महत्व है, इसके बारे में इसमें ले लेते हैं 1.2 ले लेते हैं कि पर्यावरण को समझना, और 1.3 बाल विकास में पर्यावरण का क्या महत्व है, इन दोनों को आज इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे पर्यावरण को समझना। तो चलिए अब देख लेते हैं, पर्यावरण जो है साधारण तौर पर हमारे आसपास का संसार है, हमारी त्वचा से शुरू होकर सभी दिशाओं में फैलता हुआ बड़े बड़े ना खत्म होने वाले चक्रों के रूप में, और जब तक कि यह सृष्टि को अपने अंदर तक नहीं समेट लेता है, पर्यावरण है। चलिए अगर पर्यावरण को थोड़ा सा डिफाइन यहाँ पे कर लेते हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्यावरण शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के एक शब्द एनवायनर, जिसका अर्थ घेरना या समेटना होता है। यानी जो पर्यावरण शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और फ्रेंच भाषा के किस शब्द से, तो एनवायनर, यानी फ्रेंच भाषा का एक शब्द है एनवायनर, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घेरना या समेटना, और उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण, उसी से बना हुआ है एनवायनर शब्द से। ठीक है, और इस तरह शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो पर्यावरण वह है जो हमें घेरे हुए है, यानी हमें चारों तरफ से घेरे हुए आप कह सकते हैं, वही पर्यावरण है। यानी चारों तरफ आवरण, चारों तरफ का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है, या हमारे सभी तरफ का संसार वही है। और तो वह संसार जो हमें घेरे हुए हैं उसमें क्या क्या है, इसमें प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी अब पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्राकृतिक भी चीज़ें आती हैं, सामाजिक भी आती हैं, और सांस्कृतिक यानी प्राकृतिक पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण होता है, और सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। ठीक है, और अगर इनका भाव देखा जाए तो पर्यावरण की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, और यह संपूर्ण निरंतर तथा अखंड है, यानी निरंतर और अखंड है, जो बहुत सदियों से चला आ रहा है। सभी जीवित प्राणियों, पौधों, जानवरों, मनुष्यों का साझा, यानी इसमें सब लोग रहते हैं, और इन्हीं सभी को तो पर्यावरण कहते हैं। हवा, पानी, धरा, चट्टाने, पौधे, जानवर, हम मनुष्यों की तरह ही पर्यावरण के भाग हैं, और सभी जीवित जंतुओं के साथ हम इनके सहभागी हैं। और स्पष्ट रूप से कहें तो पर्यावरण अलग अलग आयामों का एक संयुक्त रूप कहा जा सकता है, यानी एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो पर्यावरण है। और वो चारों तरफ से क्या चीज़ हमें घेरे हुई है, तो देखिए उसमें जीवित प्राणी भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, मनुष्य आता है, हवा, पानी, चट्टान, पहाड़, पर्वत, सभी चीज़ें आती हैं, यही सब कहलाता है पर्यावरण। ठीक है, और पर्यावरण जो होता है प्राकृतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, और सांस्कृतिक भी होता है, जो कि एक फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायनर से लिया गया है, जिसका अर्थ घेरना या समेटना होता है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो ये एक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, पर्यावरण को समझाइए, इसकी डिफिनेशन अर्थ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फ्रेंड्स आप बार बार डिमांड कर रहे हैं एमसीक्यू की, मैं एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन जब तक आप लेसन को नहीं समझेंगे तो आप एमसीक्यू को कैसे समझ पाएंगे। एक बार आपको बुक पढ़ना ज़रूरी है, तो पीडीएफ के माध्यम से मैं क्वेश्चंस भी लेके आ रही हूँ, आपकी पीडीएफ यानी बुक भी आप पढ़ रहे हैं, देन इसके बाद एमसीक्यू लेके आऊँ तो आपके लिए बेस्ट होगा, आप उस चीज़ को समझेंगे। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में आपके चारों ओर के अजैव घटक सम्मिलित है, देखिए जैव और अजैव दो तरह के घटक होते हैं, ठीक है ना। अब अजैव घटक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसी तरह इन्हीं चीज़ों से एमसीक्यू आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो बनते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, चट्टाने,
ये क्या हो जाएंगे, अजैव घटक हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जैसे भूमि और पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित जैविक घटक भी सम्मिलित हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो अजैव घटक में आ जाएंगी, जो मृत हैं आप कह सकते हैं। और जो जीवित हैं यानी लिविंग थिंग्स हैं, पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, जीव जंतु हो गए, ये किस में आ जाएंगे, जैव घटक में आ जाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण जो होता है उसमें दो तरह के घटक होते हैं, जैव और अजैव। अजैव में हवा, पानी, मिट्टी, चट्टाने, और जैव में पेड़ पौधे, जानवर और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आ जाते हैं। पौधे, जानवर एक सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर आधारभूत आवश्यकताओं जैसे हवा, पानी, पोषकों पर निर्भर होते हैं, और ये जो होता है एक दूसरे पर निर्भरता दिखाता है, और जीवों तथा उनके पर्यावरण में कई प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का कारण भी बनती है। बोलते हैं ना कि किसी भी जीव के लिए, किसी भी फसल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छा पर्यावरण मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ के जीव जो है वहाँ रह लेंगे, वहाँ की फसल जो है अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण उनके अनुकूल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपका कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या है और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपका मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत वो पर्यावरण आता है जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं निर्मित किया है या परिवर्तित किया है या बदला है। सड़कें, इमारतें, उद्योग, बांध, अन्य निर्माण जो कि मनुष्य को वस्तु सेवाएँ प्रदान करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपनी सुविधाओं के लिए मनुष्य जो भी परिवर्तन करता है वही मानव निर्मित पर्यावरण हो जाता है। पहाड़ी इलाका है वहाँ पे मनुष्य सड़क जाने के लिए बनाता है। आजकल टूरिस्ट ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इमारतें बनाई जाती हैं, पहाड़ों पर बांध बनाए जाते हैं, कारखाने बनाए जाते हैं, और तो यही होता है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, अब देख लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या कहलाता है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन यदि आता है मानव निर्मित और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से तो आप लिख लेंगे। जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थान हमारा सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, व्यक्ति आता है, समाज आता है, परिवार आता है, धर्म आता है, जो शैक्षिक संस्थाएँ होती हैं, आर्थिक चीज़ें, राजनीतिक संस्थान जो होते हैं यानी राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं, सभी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। समाज के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, सॉरी व्यक्ति, परिवार, समुदाय और सांस्कृतिक के अंतर्गत धर्म आ जाता है, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चीजें आ जाती हैं। तो समान तौर पर परिवार द्वारा समाज की मूल क्रियाएं की जाती हैं और एक व्यक्ति समाज का सदस्य बनना सीखता है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण एवं समुदाय में व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप संस्कृति को आकार देती हैं। यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है और समुदाय में जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में मिलते हैं, भाईचारा विकसित करते हैं, साथ में रहते हैं, और यही हमारी संस्कृति को आकार देती है, जिससे हमारी संस्कृति बनती है। एक समुदाय से दूसरे समुदाय तथा एक समाज से दूसरे समाज की संस्कृति भिन्न होती है ना। और हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं जो हम भोजन खाते हैं, पोशाक पहनते हैं, हमारी परंपराएं, प्रतिमान हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार होती हैं। प्राकृतिक यानी कि देखिए हमारे जो सांस्कृतिक विशेषताएँ क्या होती हैं, हिंदू की अलग होती है, मुस्लिम की अलग होती है, सिख की अलग होती है, तो हमारी सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं। सबके भोजन अलग होते हैं, पहनने के कपड़े जो पोशाक होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ तक कि बोली लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़ें अलग होती हैं, और हम उन्हें से पहचान लेते हैं कि सामने वाला जो है वो किस रिलीजन का है। प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार होते हैं। अब एक अगर कश्मीर का व्यक्ति आएगा तो हम उसे देख के समझ जाएंगे उसके पहनावे से, हर एक चीज़ों से कि कश्मीर का रहने वाला है। कोई साउथ इंडियन आएगा तो हो सकता है उसके कलर से, उसके लैंग्वेज से हम पहचान जाएंगे कि साउथ इंडियन है। ये होता है प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है ना, कोई असमी या मेघालयी, कोई नॉर्थ ईस्ट का आएगा तो हम उसको पहचान जाएंगे। यही होता है प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार लोगों को पहचानना। तो मूल परंपराएं, प्रतिमान, रीति रिवाज, कलाएं, इतिहास, ये सब चीज़ें जो आती हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से निर्मित होती है, इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगर संक्षेप में पर्यावरण के बारे में देखें क्या है, तो पर्यावरण वह सब है जो हमें घेरे और समेटे हुए है, जिसका हम भी एक हिस्सा है।
कुछ विचारक और भी आगे सोचते हुए कहते हैं कि पर्यावरण में वे सब है जो कि हमारे भीतर और बाहर है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में केवल भौतिक, भौगोलिक तथा जैविक परिस्थितियां ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तंत्र भी शामिल हैं। तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, पर्यावरण के कौन कौन से तंत्र हैं, तो देखिए भौतिक है, भौगोलिक है, जैविक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तंत्र इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये है फ्रेंड्स आपका कि पर्यावरण किसे कहते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा आपको इसके लेसन को और पूरे सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने के लिए। आप इस डायग्राम से बहुत आराम से समझ सकते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। एनवायरनमेंट यानी जो पर्यावरण होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण होता है, यानी एक समाज होता है, उस समाज में रहने वाले लोग होते हैं, हर एक धर्म के रीति रिवाज के लोग होते हैं। तो समाज सामाजिक हो गया, धर्म रीति रिवाज को सांस्कृतिक हो गया, एक ही वातावरण निर्मित हुआ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं इस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बाद देखिए जैविक वातावरण एक होता है आपका, ठीक है ना, जैविक वातावरण हुआ जिसके अंतर्गत प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो सब चीज़ें और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो चीज़ें आती हैं, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो जैविक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा आपका होता है जैविक वातावरण, सॉरी भौतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत वायु, जल, मृदा, चट्टानें, महासागर, सागर जो भी होते हैं सब चीज़ें भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। अगर इतना आपके समझ में आ जाएगा तो आप बड़े आराम से लिख लेंगे पर्यावरण क्या है। चलिए अब देख लेते हैं बाल विकास में पर्यावरण का क्या महत्व। अभी तक हमने समझा पर्यावरण किसे कहते हैं, अब बाल विकास में पर्यावरण का महत्व समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए पर्यावरण जो होता है हमें बहुत प्रभावित करता है। आप बचपन से लेके आप जब तक कि बूढ़े नहीं हो जाते हैं तब तक ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है ना। पर्यावरण में हम परिवार होता है, घर होता है, पास पड़ोस होते हैं, विद्यालय होते हैं, यानी जो पूरी दुनिया होती है वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है। और सबसे पहले जो अधिगम शुरू होता है वो घर परिवार से शुरू होता है, यानी सीखना जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है, और अधिगम केवल विद्यालय से ही नहीं घर, समुदाय और पर्यावरण से भी होता है। हम अपने पर्यावरण से भी, अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब आप कहेंगे कि एक बच्चा पर्यावरण से क्या कुछ सीखेगा, तो देखिए बच्चा जो होता है पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है। वो कहानियाँ हैं, गीत है, त्यौहार है, मेले हैं, परिवार है, समुदाय से है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो अवसर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनसे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। हर दिन बच्चा प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव करता है, जैसे ऋतुएं हो गई, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, उन्हें पता है ये क्लाइमेट है जो चेंज हो रहा है, मौसम है जो पर्यावरण की वजह से होता है, ठीक है ना, सर्दी है, सूर्य है, आकाश है, चंद्रमा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सागर है, महासागर, ये सब चीजें जो बच्चा होता है इसका संबंध किससे होता है, पर्यावरण से होता है, और इससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। एक बच्चे का संबंध जो होता है वो पर्यावरण से स्थापित होता है बचपन से लेकर के उसके बड़े होने तक। जो अधिकतर पाठ्यक्रम जो होती हैं वो खोजबीन तथा जीवन के सच्चे अनुभवों के लिए समय तथा स्थान उपलब्ध नहीं कराते हैं, यानी कि जो बुक में होता है बच्चे वही सुनते हैं, वही पढ़ते हैं, वही समझते हैं, लेकिन खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनमें जानने की जो जिज्ञासा होती है, कौतूहल होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसा पर्यावरण बच्चों को दिया जाना चाहिए जो अधिगम में सहायक हो या सीखने के योग्य उन्हें बनाया जाए। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक वर्षों में अधिगम बच्चों की अभिरुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए, यानी जो बच्चे जब प्राथमिक स्कूल में होते हैं, प्राइमरी लेवल में होते हैं और कम एज की होते हैं, तो बच्चों को जो सीखना और सिखाना होता है उनकी रुचियों के अनुसार होना चाहिए, जो उन्हें पसंद है, जिस मेथड से वो पढ़ना चाहते हैं, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो बच्चा जो होता है बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है। और जब आप एक खुला एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे तो बच्चे में जो होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी आती है, बात को कहने का, सोचने का, रखने का एक क्षमता जो होती है उसका विकास होता है, ये चीज़ देखी गई है। और इसीलिए माना जाता है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक जो प्राइमरी लेवल होता है, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट।